जनपद पौड़ी में महिला होमगार्ड भर्ती के आवेदन को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिसके चलते 956 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त को रखी गई है और इसी दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि अभी तक 956 महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है और इसके अलावा लोगों को भर्ती के लिए जागरूक किया जा रहा है। होमगार्ड्स की भर्ती जनपद पौड़ी में 3 तारीख से फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। इनके कुल पद 30 हैं, 2 पद अनाउंस के हैं, मृतक आश्रित है महिलाओं के, वो 2 अलग से हैं, और जो सीधी भर्ती से हैं 30 पद महिला होमगार्ड्स के। सर, ये होमगार्ड की भर्ती चल रही है और सर मतलब कि होमगार्ड की भर्तियाँ मतलब 33 वैकेंसी है और भर्तियाँ तो बहुत सारी है, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा ही आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग होमगार्ड की भर्ती के लिए फॉर्म जमा करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना, तो इससे मतलब पता चल रहा है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है और लड़कियाँ देखो कितनी सारी बेरोजगार हैं। तो इसी से मतलब ये तो ऑफलाइन भर्ती है तो इसमें ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है।